सनसनी ऑफ इंडिया। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरार आरोपित 24 वर्षीय प्रवीण डबास को गिरफ्तार किया है। प्रवीण डबास पिछले 9 महीने से फरार था। इसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर रखा था। दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पर 50,000 का इनाम था। पिछले साल 4 मई की रात ओलंपियन सुशील पहलवान ने पत्नी के नाम का घर खाली न करने को लेकर विवाद में 20 साथियों के साथ मिलकर छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में लाठी डंडे से बेरहमी से पीट पीट कर सागर की हत्या कर दी थी। सिर में गंभीर चोट लग जाने से उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में क्राइम ब्रांच गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र भी दायर कर चुकी है। स्पेशल सेल के ACP अतर सिंह की सुपरविजन व इंस्पेक्टर शिव कुमार, इंस्पेक्टर कर्मवीर सिंह के नेतृत्व में SI राजेश कुमार की टीम ने प्रवीण डबास को 3 जनवरी को प्रेम पियाव रोड सुल्तानपुर गांव के पास से गिरफ्तार किया। पिछले साल दिनांक 5 मई 2021 को पहलवान सागर धनखड़ की छत्रसाल स्टेडियम में सुशील और उसके साथियों ने पीटकर हत्या कर दी थी। मॉडल टाउन थाने में दर्ज हत्या, हत्या के प्रयास, अगवा, लूटपाट और आर्म्स एक्ट के केस में प्रवीण डबास वांटेड था। 9 महीने से फरार चल रहे प्रवीण डबास पर 50,000 का इनाम भी रखा था। स्पेशल सेल की एक टीम फरार प्रवीण डबास को दबोचने के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। टीम को पिछले 1 महीने से जानकारी मिल रही थी कि प्रवीण डबास अपने ही गांव मदनपुर डबास में चोरी छुपे आ जा रहा है। टीम ने गांव में मुखबिरों का जाल बिछा दिया। दिनांक 3 जनवरी 2021 को इंस्पेक्टर शिव कुमार को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि फरार प्रवीण डबास 3 और 4 जनवरी की मध्यरात्रि को अपने गांव किसी से मिलने आ रहा है। टीम ने गांव सुल्तानपुर डबास के पास प्रेम पियाव रोड के पास अपना जाल बिछाया। देर रात टीम को प्रवीण डबास आते देखा गया। टीम को देखकर प्रवीण डबास उल्टा भागने लगा, लेकिन टीम ने दौड़कर आरोपी को दबोच लिया। पूछताछ में प्रवीण डबास ने बताया कि वो और सुशील पहलवान समेत 20 आरोपितों ने 4 मई की रात लाठी डंडा, हॉकी स्टिक और हथियारों से लैस होकर सागर धनखड़, सोनू महाल, अमित और अन्य को अलग अलग जगहों से पकड़कर गाड़ियों में बैठाकर छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में ले आए थे। वहां इन लोगों ने उनकी बेरहमी से घंटों पिटाई की थी। मॉडल टाउन स्थित सुशील की पत्नी के नाम वाला घर, जिसमें सागर व सोनू को रहने के लिए दिया गया था, उक्त घर खाली न करने को लेकर सबक सिखाने के मकसद से सुशील ने इनकी पिटाई की थी, लेकिन दिन पहलवान सागर धनखड़ की मौत हो जाने से वह बुरा फंस गया। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में।